हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप इस सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। ये वीडियो उन सभी यूज़र्स को रिपोर्टिंग करने में हेल्प करेगी जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका टाइम सेव होगा एंड इस सॉफ्टवेयर से आप अपनी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के रिपोर्ट्स भी एक्सेस कर पाएंगे जो कि आप मैनुअल रिपोर्टिंग में नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे यूज़र्स इस सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग करेंगे। सो सॉफ्टवेयर पर लॉगिन होने के लिए जो हमारा लिंक है वो है sfa.margsfa.net। ये लिंक जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे ये लॉगिन पेज आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पर हमारा अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड फीड करेंगे, देन लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो वो अपने पैनल पर लॉगिन हो जाएंगे। ये MR का होम स्क्रीन पेज है जहाँ पर आप ये मार्ग देख रहे हैं। यहाँ पर आपकी कंपनी का लोगो आएगा एंड यहाँ पर आपके सपोर्ट नंबर रहेंगे। आपके एडमिन ने जो भी आपके सपोर्ट के लिए आपको नंबर प्रोवाइड किया है वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। ये जो मैसेज आप देख रहे हैं DCR अपडेट टाइम टू टाइम, ये एडमिन साइड से मैसेज होता है। एडमिन अगर कोई भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं अपने स्टाफ के साथ, लाइक आपके कंपनी में कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या आप कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग रख रहे हैं, तो एडमिन अपने पैनल से वो मैसेज सबमिट कर देते हैं, देन वो सभी यूज़र्स की होम स्क्रीन पर ऐसे ही फ्लैश होता है। अभी हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप डैशबोर्ड देख सकते हो। यहाँ पर एवरेज आ रही है। ये ग्राफ जो आप देख रहे हो जनरेट हो रहा है, ये आपके डेली कॉल रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली डे बाई डे जनरेट होता है कि आप अपने पर डे में कितने डॉक्टर से विजिट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट डेट में 2 डॉक्टर से विजिट हुआ है, सेकेंड डेट में 4 डॉक्टर से विजिट हुआ है एंड 3 डेट में 7 डॉक्टर से विजिट हुआ है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपका जो डेली कॉल एवरेज है वो कितना जनरेट हो रहा है। इसी के नीचे हमने कुछ शॉर्टकट्स डिज़ाइन किए हैं, रिमाइंडर्स। जिन डॉक्टर्स के पास आप विजिट करते हो उनके बर्थडे एंड एनिवर्सरी के रिमाइंडर्स आपको आपके होम स्क्रीन पर ही रिफ्लेक्ट होंगे। आप यहाँ से उनको चेक करके विश भी कर सकते हैं। प्लस सॉफ्टवेयर में इंटरनली मेलिंग सिस्टम भी है। अगर आप अपने एडमिन या मैनेजर को अर्जेंटली कोई मेल करना चाहते हो तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू वो कर सकते हैं। आपको सेपरेटली ID ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकेंड इज पेंडिंग्स। जो भी आप अपने पैनल से न्यू डॉक्टर्स और केमिस्ट और स्टॉकिस्ट ऐड करते हो तो वो आपकी पेंडिंग्स में रिफ्लेक्ट होगा जब तक आपके एडमिन उसको अप्रूव नहीं कर देते। एडमिन की अप्रूवल के बाद यहाँ पर वो 0 शो करेगा। जैसे यहाँ पर लीव भी दिया हुआ है, अगर आप कोई लीव भी अप्लाई करते हो और वो आपके एडमिन से अभी पेंडिंग है या मैनेजर से अप्रूव नहीं हुई है तो भी वो आपकी पेंडिंग्स में रिफ्लेक्ट होगा। थर्ड इज DCR एंड TP स्टेटस। आप अपना पेंडिंग DCR, सबमिटेड DCR, करंट मंथ का टूर प्लान एंड नेक्स्ट मंथ का टूर प्लान भी यहाँ से व्यू कर सकते हो। फोर्थ इज माई अपडेट्स। यहाँ पर आपकी अपडेट्स आप व्यू कर सकते हो कि आपके पास कितने टोटल एरियाज हैं, टोटल कितने डॉक्टर्स हैं, कितने केमिस्ट हैं, कितने स्टॉकिस्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हम यहाँ पर एरिया व्यू करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी एरिया अलॉटेड हैं वो सारे एरियाज़ की डिटेल्स आपको यहीं से मिल जाएगी एंड इन पर्टिकुलर एरियाज़ में टोटल कितने डॉक्टर्स हैं, कितने केमिस्ट हैं, कितने स्टॉकिस्ट हैं, आप वो डेटा भी यहाँ पर व्यू कर सकते हो। जैसे हमने फुल डिटेल्स पर यहाँ क्लिक किया तो हमारे पास उस पर्टिकुलर एरिया में कितने डॉक्टर्स हैं, उनके नेम, उनका एरिया, उनकी ग्रेड, स्पेशलाइजेशन, डिग्री एंड स्टेटस कि वो एक्टिव है या डीएक्टिवेटेड है, वो सारी डिटेल्स आपको आपके होम पेज से ही मिल जाएगी। अब आते हैं टूर प्रोग्राम पर। आप लोग अपना टूर प्रोग्राम किस टाइप से बनाएंगे? सिंपली आपको टूर प्रोग्राम ऑप्शन में जाना है। टूर प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए इंडिविजुअल, देन यहाँ पर टूर प्रोग्राम पेज ओपन हो जाएगा। ये टूर प्रोग्राम पेज है। आप जो भी अपना प्रीवियसली टूर प्रोग्राम प्लान करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी अगर सितंबर चल रहा है तो सितंबर में आप अपने नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग करते हो, इन द सेंस आप अक्टूबर का टूर प्रोग्राम बनाते हो, तो अक्टूबर का टूर प्रोग्राम बनाने के लिए सिंपली आप यहाँ पर कैलेंडर से डेट सेलेक्ट करोगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ दी गई हैं जैसे वर्किंग, मीटिंग, हॉलीडे, लीव एंड कैंप। आपकी जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हो इस पर्टिकुलर डेट में आप वो अपनी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लो। उसके बाद जो अलॉटेड एरियाज आपको दिए गए हैं, जो आपके एडमिन ने आपको अलॉट किए हैं, जिस एरिया में आपको वर्किंग करनी है वो एरिया आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। अगर आप कोई रिमार्क देना चाहते हैं अपने एडमिन के लिए या मैनेजर के लिए कि इस एरिया में जाकर आपने क्या क्या करना है, तो आप रिमार्क में वो एंट्री कर सकते हो एंड जब आप सबमिट करोगे तो आपका टूर प्लान इस पर्टिकुलर डेट का
सबमिट हो जाएगा। एंड आप यहाँ पर अपना टूर प्लान जो भी आप सबमिट करते जाओगे, आप ड्रॉप डाउन में वो चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या अपना प्लान बनाया है डे बाय डे। आपके पास यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी है। बाय मिस्टेक अगर आपसे कोई गलत एरिया सेलेक्ट हो जाता है तो आप अपने डिलीट ऑप्शन का यूज़ करके आप उस टूर प्लान को डिलीट कर सकते हैं। बट अगर एक बार एडमिन अप्रूव कर देता है इस प्लान को तो आप डिलीट नहीं कर सकते, वो सिर्फ एडमिन ही डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिशनल ऑप्शन दिया है डॉक्टर ऐड का। अगर आप कोई न्यू डॉक्टर ऐड करना चाहते हो या उनकी डिटेल्स डीएक्टिवेट करना चाहते हो, आपके पास कोई अनवांटेड डॉक्टर डेटा है जो जिनके पास आप विजिट नहीं करते हो, तो आप अपने हैंड से उनको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। यहाँ पर डॉक्टर ऐड का ऑप्शन है। अगर आपने कोई भी न्यू डॉक्टर ऐड करना है तो सिंपली आप यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करोगे, जिस भी एरिया में आपको वो डॉक्टर ऐड करना है, एंड ऐड बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डॉक्टर ऑप्शन तो यहाँ पर डॉक्टर ऐड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी डॉक्टर नेम है उनका नेम फिल करना है, मोबाइल, ईमेल आईडी, उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जब आप यहाँ पर फिल कर लोगे देन आप सेव कर दोगे तो वो न्यू डॉक्टर आपके पैनल में ऐड हो जाएगा, एंड आफ्टर एडमिन अप्रूवल आप उसके पास विजिट भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आप केमिस्ट ऐड कर सकते हो, स्टॉकिस्ट ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई लीव अप्लाई करनी है अपने लिए तो सिंपली यहाँ पर लीव में आपको ऑप्शन दिया गया है, लीव अप्लाई पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लीव ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप पहले डेट सेलेक्ट करोगे कि किस डेट से किस डेट तक की लीव आपको अप्लाई करनी है, जो भी आपका मैटर है आप यहाँ टाइप कर सकते हो या जो भी आपका रीज़न है। यहाँ पर आप लीव टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, आप सिक लीव ले रहे हो, कैजुअल लीव ले रहे हो एटसेट्रा, एंड सबमिट कर दोगे तो ये लीव आपके एडमिन एंड मैनेजर्स के पास जाएगी अप्रूवल के लिए। यहाँ पर हॉलीडे का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। आपके एडमिन साइट से जो भी कंपनी में हॉलीडे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पर इस ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, एंड अपने लीव डिटेल्स भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इसके बाद है स्टॉक एंड सेल्स। आप एंड ऑफ द मंथ अपनी स्टॉक एंड सेल्स एंटर कर सकते हो सॉफ्टवेयर में। सिंपली स्टॉक एंड सेल्स एंट्री पर आप क्लिक करोगे, मंथली अपना मंथ सेलेक्ट करोगे, ईयर सेलेक्ट करोगे, एंड स्टॉकिस्ट नेम। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है जनरेट एक्सेल एंड अपलोड एक्सेल। जब आप जनरेट एक्सेल करते हैं तो एक एक्सेल फाइल जनरेट हो जाती है। जनरेट एक्सेल पर क्लिक करने के बाद एक एक्सेल फाइल जनरेट हो जाती है जिसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे। यहाँ पर आपको उनकी पैकिंग रिफ्लेक्ट होगी, उनके प्राइस। यहाँ पर आपका जो लास्ट मंथ का क्लोजिंग होगा वो ऑटोमेटिकली इस मंथ की ओपनिंग में आएगा। आपको सिंपली अपना इस मंथ का प्राइमरी सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग बैलेंस, सेकेंडरी सेल्स ऑटोमेटिक जनरेट होगा जो केमिस्ट से रिटर्न हुआ है वो आप यहाँ फिल कर सकते हो, एंड आपको जो स्टॉक ट्रांजिट में है वो आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। ये सारी फील्ड्स को फिल करने के बाद आप सिंपली वापस जाएंगे सॉफ्टवेयर में। इस फाइल को सेव कराने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है चूज़ फाइल का। चूज़ फाइल में आप सेलेक्ट कर लो उस फाइल को एंड अपलोड करके सबमिट कर दोगे तो आपको जो रिपोर्ट मिलेगी वो स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट में आप आकर देख सकते हैं अपनी एंट्रीज। मीन्स जो आपने स्टॉक एंड सेल्स फीड की थी उसकी वैल्यूज़ आप स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट में आके व्यू कर सकते हो। जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, हमने एक स्टॉकिस्ट का नेम सेलेक्ट किया, उनका ईयर एंड मंथ। आफ्टर दैट गेट रिपोर्ट। गेट रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट आपको व्यू होगी विद वैल्यूज़। हमारे ये सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनकी पैकिंग, उनका प्राइस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस वैल्यू, प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी सेल्स वैल्यू, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न वैल्यू, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस वैल्यू, सेकेंडरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स वैल्यू। आपका अगर कोई केमिस्ट रिटर्न है या ट्रांजिट स्टॉक है तो आप यहाँ पर व्यू कर सकते हो, एंड एंड में सब टोटल आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज माई एक्सपेंस। सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। जो भी आपका स्टैंडर्ड प्लान होगा, जो भी इसका आपका एसटीपी होगा, स्टैंडर्ड टूर प्लान, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपेंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पर सितंबर का एक्सपेंस ओपन कर रही हूँ, ये एक्सपेंस फॉर्मेट रहेगा। आपका जो टूर प्लान एरिया था वो टीपी एरिया में रिफ्लेक्ट होगा। आप जिस एरिया में विजिट किए हैं वो फ्रॉम टू टू एरिया दिखाएगा। एक्सपेंस की डिटेल्स यहाँ पर आएंगी, जो भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो इन एरियाज़ के बीच में वो डिस्टेंस आपकी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो भी आपका जितना भी ट्रैवलिंग अलाउंस जनरेट होता है वो टीएमई आपको रिफ्लेक्ट होगा। कंपनी जो आपको डेली अलाउंसेज प्रोवाइड कर रही है वो डेली अलाउंसेज आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे। एंड मिसलिनियस एक्सपेंस मीन्स अगर आप अपने ऊपर कुछ खर्च करते हैं या डॉक्टर के ऊपर कुछ खर्च करते हैं तो उसके लिए आप क्लेम करते हैं
सो वो एक्सपेंस भी आपकी एक्सपेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है एंड टोटल वन डे का एक्सपेंस आपका इतना जनरेट होता है. एंड ऑफ द मंथ आप यहाँ पर अपने कंप्लीट एक्सपेंस व्यू कर सकते हो प्लस जो कंपनी आपको फिक्स एक्सपेंसेस प्रोवाइड करती है लाइक मोबाइल चार्ज, इंटरनेट चार्ज एक्सेट्रा, वो फिक्स एक्सपेंस टाइप भी आपके मंथली एक्सपेंस में ऐड होके टोटल एक्सपेंस में आपको रिफ्लेक्ट होता है. नेक्स्ट ऑप्शन इज सैम्पल इशू. जो भी मंथली सैम्पल्स आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो या जो आपको रिसीविंग होती है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से व्यू कर सकते हो कि इस मंथ में मेरे एडमिन ने मुझे कितने सैम्पल्स इशू किए हैं और मैंने कितने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. तो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है आपके सैम्पल रिसीविंग की एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग की. एंड जो बैलेंस बचता है आपका वो नेक्स्ट मंथ में ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. फॉर एग्जांपल इस मंथ में आपको 10 सैंपल्स इशू हुए और आपने 9 डिस्ट्रीब्यूट किए तो जो वन बैलेंस बचा वो नेक्स्ट मंथ में ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. नेक्स्ट ऑप्शन इज गिफ्ट इशू. कंपनी साइड से जो भी आपको मंथली गिफ्ट्स इशू होते हैं वो आप यहाँ पर व्यू कर सकते हो कि इस मंथ में मेरे एडमिन ने मुझे कितने गिफ्ट्स इशू किए एंड कितने आपने डिस्ट्रीब्यूट किया और कितना बैलेंस बचा है. सेम इसमें भी होता है कि जो इस मंथ आपका बैलेंस बचेगा वो नेक्स्ट मंथ आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. नेक्स्ट ऑप्शन इज यूज़र टारगेट. आपके एडमिन जो भी आपका टारगेट सेट करते हैं वो आप यूज़र टारगेट से यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपके एडमिन ने आपको कितना टारगेट दिया है. इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. यहाँ पर आपका टारगेट ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है एंड क्वार्टरली भी हो सकता है. आपके एडमिन आपको क्वांटिटी वाइज एंड अमाउंट वाइज जो भी आपका टारगेट डिसाइड होगा वो आप यहाँ पर इस रिपोर्ट के थ्रू व्यू कर सकते हो. इसी के नीचे रिपोर्ट दी हुई है यूज़र टारगेट एंड अचीवमेंट. आपको जो टारगेट दिया गया था वो आप व्यू करोगे एंड आपने कितना अचीव किया. इस रिपोर्ट के थ्रू आप वो अचीवमेंट भी चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रोडक्ट क्वांटिटी एंट्री. इस ऑप्शन के थ्रू जो भी डॉक्टर वाइज सेल होती है एमआरस की वो यहाँ से इस ऑप्शन से एंटर कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट ऑप्शन. इट्स डीसीआर मींस डेली कॉल रिपोर्ट. यहाँ से आपके यूज़र्स अपनी डेली कॉल रिपोर्ट फीड करेंगे मींस जो भी वो डॉक्टर से विजिट कर रहे हैं उनके साथ क्या डिस्कशन हुआ, कितने सैम्पल्स इशू किए, कितने गिफ्ट इशू किए एंड किस डॉक्टर ने कितने प्रोडक्ट्स की बुकिंग की, वो सारी एंट्रीज इस पेज पर आप कर सकते हो. ये डीसीआर पेज है. डीसीआर फिल करने के लिए सिंपली आपको डेट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ग्रे कलर में आपको दो बटन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं डाइवर्ट एंड एडिशनल. इनका क्या यूज़ है मैं आपको बता देती हूँ. डाइवर्ट का यूज़ आप लोग तब कर सकते हैं जब आप अपने प्लान को डाइवर्ट कर रहे हैं. मीन्स अगर आपका प्लान था आपको ABC एरिया में जाना है बट किसी रीज़न से उस एरिया में आप विजिट नहीं करते हो, किसी दूसरे एरिया में विजिट करते हो, तो उस सिचुएशन में आप अपने टूर प्लान को डाइवर्ट कर सकते हो. एडिशनल का यूज़ आप तब करोगे अगर आप अपने टूर प्लान के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हो और आपने अपना एरिया कंप्लीट कवर कर लिया बट अदर एरिया में जाकर आपने कुछ एक्स्ट्रा डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की या विजिट किया उनके पास, तो उनकी DCR आप एडिशनल ऑप्शन में आके फिल कर सकते हो. अभी हम यहाँ पर DCR फिल करेंगे. सिंपली हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट करते हैं. हमने यहाँ डेट सेलेक्ट किया, हमने फ्रॉम से टू एरिया सेलेक्ट कर लिया. जो फ्रॉम एरिया जो आपका हेडक्वार्टर एरिया है एंड टू एरिया इज जिस एरिया का आपने प्लान बनाया है. फ्रॉम से टू एरिया सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपके स्टैंडर्ड प्लान में आपकी इस फ्रॉम से टू एरिया के डिस्टेंस है वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी 40 किलोमीटर्स एंड इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही आपका एक्सपेंस जनरेट होगा. विजिट टाइप में आपसे पूछा गया है कि आप DCR फिल कर रहे हो या रिमाइंडर लेकर आए हैं डॉक्टर से, आपने किस टाइम डॉक्टर के पास विजिट किया, वो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया. इस एरिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सभी डॉक्टर्स के नेम आपको रिफ्लेक्ट होंगे उनकी ग्रेड एंड उनकी स्पेशलाइजेशन के साथ. हमने डॉक्टर का नेम सेलेक्ट कर लिया. डॉक्टर का नेम सेलेक्ट करते ही उनके जो भी फोकस प्रोडक्ट है वो इस कॉलम में आपको रिफ्लेक्ट होंगे, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो. अगर आप अपने मैनेजर के साथ विजिट कर रहे हैं देन आप जॉइंट वर्क दिखाने के लिए उनका नेम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो. डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ पर दिया है. आपके डॉक्टर्स के साथ जो भी कन्वर्सेशन हुआ है वो आप यहाँ इस डिटेल कॉलम में एंटर कर सकते हैं. अगर डॉक्टर आपसे कुछ अदर प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं तो या अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी बोलते हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो. इसी के नीचे एंटर द गिफ्ट सैंपल डिटेल्स दिया गया है. मीन्स आप जो भी गिफ्ट्स या सैंपल उनको प्रोवाइड कर कर आए हैं उनकी एंट्री आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो. एंटर द गिफ्ट सैंपल डिटेल्स ऑप्शन पर हमने टिक किया
तो यहाँ पर हमारे पास हमारे सैंपल प्रोडक्ट्स आ गए, हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, देन उनकी जो भी क्वांटिटी में बुकिंग हुई है वो क्वांटिटी हमने यहाँ पर एंटर कर दी। जब आपकी ये 3 एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं, अगर आपको एडिशनल्स चाहिए देन आप ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर कर एक्स्ट्रा कॉलम्स ले सकते हैं। अगर आप गिफ्ट इशू करके आते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर पेन एंड नोटपैड बनाया है, आपके जो भी गिफ्ट्स इशू किए जाते हैं वो गिफ्ट्स आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, आप उनकी क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं। इसी के नीचे दिया है प्रोडक्ट एंट्री डिटेल्स, मीन्स POB एंट्री, प्रोडक्ट्स की जो भी बुकिंग होगी डॉक्टर से उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। सिंपली इस ऑप्शन पर हमने टिक किया, हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, प्रोडक्ट वाइज एंड लमसम वाइज। हमने प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर सेलेक्ट किया तो दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, डायरेक्ट एंड क्वांटिटी इनटू रेट। अगर आप डायरेक्ट सेलेक्ट करते हो तो आपको बस वहाँ पर प्रोडक्ट के आगे उनके लमसम अमाउंट फीड करना है कि इतने अमाउंट की बुकिंग हुई है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की। बट अगर आप क्वांटिटी इनटू रेट के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपके तीनों प्राइस आपके पास आ जाते हैं, MRP, PTS एंड PTR। अब आप अपने प्राइस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि किस प्राइस के अकॉर्डिंगली आपकी बुकिंग हुई है। हमारे प्रोडक्ट्स के नेम यहाँ पर आ गए, हमने अपना प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर उनकी क्वांटिटी फीड कर दी। जैसे ही आप उनकी क्वांटिटी फीड करोगे तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो भी इनका PTS अमाउंट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा कॉलम्स चाहिए तो आप ऐड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सारी एंट्रीज फीड करने के बाद जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी DCR सबमिट हो जाएगी एंड मैसेज रिफ्लेक्ट होगा, योर DCR हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। सो इस टाइप से आप अपने डॉक्टर्स की DCR यहाँ पर फीड करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज केमिस्ट स्टॉकिस्ट DCR। अगर आप अपने केमिस्ट से विजिट करते हैं या स्टॉकिस्ट से विजिट करते हैं तो उनकी DCR आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। सिंपली आप अपने डेट सेलेक्ट करोगे, डेट सेलेक्ट करने के बाद आप फ्रॉम से टू एरिया सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप टू एरिया सेलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी केमिस्ट होंगे वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने केमिस्ट सेलेक्ट कर लिया, इस केमिस्ट की जो भी वैल्यूज़ हैं एंड जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं वो आप यहाँ फीड करोगे। अगर केमिस्ट से प्रोडक्ट्स की बुकिंग होती है तो सेम प्रोसेस हम कर सकते हैं POB एंट्री के लिए, देन जब आप सबमिट कर दोगे तो आपका केमिस्ट DCR सबमिट हो जाएगी एंड मैसेज दिखाएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको स्टॉकिस्ट एंड केमिस्ट ऑप्शन दिए गए, अगर आप केमिस्ट DCR फिल कर रहे हैं तो आप केमिस्ट सेलेक्ट करेंगे, बट अगर आप स्टॉकिस्ट DCR फिल कर रहे हैं देन आप यहाँ पर स्टॉकिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। DCR फीड होते ही आपको ड्रॉप डाउन में रिफ्लेक्ट होगा कि पर्टिकुलर इस डेट की DCR आपने फीड की है, टाइप यहाँ पर दिखाएगा केमिस्ट की DCR फीड की है तो केमिस्ट एंड अगर स्टॉकिस्ट की है तो स्टॉकिस्ट, केमिस्ट का नेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, उनका ऑर्डर नंबर एंड वैल्यू। तो कंप्लीट जैसे जैसे आप केमिस्ट की DCR फीड करते जाएंगे वैसे आपको ड्रॉप डाउन में आपका डेटा रिफ्लेक्ट होता जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्स्ट्रा एक्टिविटी। जब भी आप कोई मीटिंग करते हो या कैंपिंग करते हो कहीं पर तो वो आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटी में काउंट होता है, मींस अगर आप डॉक्टर्स केमिस्ट से विजिट ना कर कर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कंपनी के बिहाफ पर तो उसकी DCR आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऑप्शन में आके फीड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर डेट सेलेक्ट की कैलेंडर से एंड यहाँ पर आप अपनी एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने मीटिंग की इस पर्टिकुलर डेट में या कोई अदर वर्क किया या आप हॉलीडे पर थे, लीव पर थे या कैंपिंग किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया मीटिंग, मीटिंग कहाँ पर थी यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, लोकल में, XCT, आउटो स्टेशन या ट्रांजिट। अगर हम यहाँ XCT आउटो स्टेशन सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर डिस्टेंस लिख सकते हैं कि आपके लोकल से आपने कितना XCT आउटो स्टेशन कवर किया। जो भी आप डिस्टेंस यहाँ पर लिखेंगे आपके फेयर अमाउंट के अकॉर्डिंग उसका एक्सपेंस भी जनरेट हो जाएगा एंड XCT में किस एरिया में आपने मीटिंग की वो मीटिंग का एरिया आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं एंड XCT में किस एरिया में मीटिंग थी वो एरिया की डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको स्पेस दिया हुआ है मीटिंग की कन्वर्सेशन का, मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ। अगर आप अपने मैनेजर या एडमिन को डिटेल्स देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेस दिया हुआ है, आप मीटिंग की डिटेल्स यहाँ पर टाइप करके सबमिट कर देंगे, देन ये आपकी एज अ इस पर्टिकुलर डेट की DCR सबमिट हो जाएगी एंड इस मीटिंग की डिटेल्स आपके मैनेजर्स एंड एडमिन दोनों को मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्सपेंसेस।
आपके जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं उनकी डिटेल्स आप इस एक्सपेंसेस ऑप्शंस में आके फिल कर सकते हैं। आपका जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस होगा वो आपके स्टैंडर्ड टूर प्लान के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। बट कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो मिसलेनियस होते हैं, लाइक अगर आप अपने ऊपर कुछ खर्च करते हो या डॉक्टर पर कुछ खर्च हो जाता है तो उनके लिए आप यहाँ से उनकी एंट्री फीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इंडिविजुअली कुछ खर्च किया तो आप कैलेंडर से सिंपली डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस दिन आपने एक्सपेंस खर्च हुआ है। हमने यहाँ पर डेट सेलेक्ट किया एंड डिटेल्स हम यहाँ पर वो कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल मैंने लंच किया एंड आप यहाँ पर अमाउंट फीड कर सकते हो कि कितना अमाउंट था लंच का। एंड सबमिट बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, रिकॉर्ड सेव, प्लीज़ सबमिट सपोर्टिंग बिल्स फॉर रिइंबर्समेंट। आप इस लंच के बिल्स तो वो मेल के थ्रू भी आप अपने मैनेजर या एडमिन को सेंड कर सकते हैं। एंड ये जो 100 रुपीज़ आपने यहाँ पर एंटर किया ये आपके मंथली एक्सपेंस शीट में ऐड होकर आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज मेल। सॉफ्टवेयर में इंटरनली मेलिंग सिस्टम है, अगर आपको अर्जेंटली कोई मेल करना है अपने मैनेजर या एडमिन को तो आप अपनी आईडी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही उनको मेल कर सकते हैं। मेलिंग सिस्टम के लिए सिंपली आप कंपोज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये मेलिंग पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली आप टू पर क्लिक करोगे तो ये सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि आपको किस डेजिग्नेशन के यूज़र को मेल करना है। हमने अगर ASM सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप जिस ASM को रिपोर्ट कर रहे हो उस ASM का नेम आ जाएगा, आप उनके नेम पर टिक करके ओके करेंगे। देन CCC एंड BCC में आप चाहें तो अपने RSM, ZSM या अपने एडमिन को भी रख सकते हैं। इस मेलिंग सिस्टम के थ्रू अगर आपको कोई अर्जेंट फाइल अटैच करके अपने मैनेजर्स या एडमिन को सेंड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, आप अपना मैटर टाइप करके सेंड पर क्लिक करेंगे तो ये मेल आपके मैनेजर को रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज टूर प्रोग्राम। अगर आपको अपना मंथली टूर प्रोग्राम चेक करना है तो सिंपली आप इस ऑप्शन में आके अपना मंथली टूर प्रोग्राम चेक कर सकते हैं। इसमें पास्ट, प्रेजेंट की डिटेल्स, सारी रिपोर्ट्स वगैरह आपको मिलेंगी। सिंपली यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट करो एंड मंथ सेलेक्ट करो, देन व्यू, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट मंथ का टूर प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ये टूर प्रोग्राम डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, डेट, डे, एरिया एंड आपकी एक्टिविटी उस दिन आपकी क्या रहेगी। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है DCR डिटेल। अगर आपको आपके डेली कॉल रिपोर्ट्स चेक करने हैं कि आपने पर्टिकुलर किसी डेट में किस डॉक्टर से विजिट किया, क्या सैंपल्स इशू किए हैं उनको एंड क्या गिफ्ट्स इशू किए हैं, तो आप DCR डिटेल पे आके अपनी DCR रिपोर्ट व्यू कर सकते हो। यह है DCR रिपोर्ट, ये ग्रीन कलर में इसलिए शो कर रही है क्योंकि इस दिन आपने अपने प्लान को डाइवर्ट किया था। अगर आप एडिशनल करते हैं तो वो येलो कलर में आपको रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका टूर प्लान एरिया क्या था और आपका विजिटेड एरिया कौन सा था। अगर आप अपने मैनेजर के साथ विजिट करते हैं तो उस पर्टिकुलर डे में आपका विजिट विद में दिखाएगा आपके मैनेजर का नेम। यहाँ पर काउंटिंग दिखाएगा आपने कितने नंबर ऑफ डॉक्टर विजिट किए हैं, कितने केमिस्ट विजिट किए हैं, कितने स्टॉकिस्ट विजिट किए हैं एंड आपकी अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी है सेम डे में तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर DCR सबमिशन डेट भी आपको दिखा रहा है कि आपने पर्टिकुलर उस डेट की DCR किस डेट में सबमिट की है। एंड में आपको यहाँ पर कॉल एवरेज भी दिखाएगा कि पर डे आपकी क्या कॉल एवरेज आ रही है। अगर आपको इस पर्टिकुलर डेट की समरी चेक करनी है तो सिंपली आप डेट पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पर उस DCR की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी कि वो जो वन डॉक्टर थे जिनके पास विजिट किया उनका नेम, उनके पास लास्ट विजिट कब हुई, उनका एरिया, उनका स्टेटस, विजिट स्टेटस एंड बिजनेस स्टेटस। यहीं पर आप रिमाइंडर्स डॉक्टर्स भी व्यू कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट स्टॉक से विजिट करते हो तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। सैंपल अगर किसी डॉक्टर को इशू किया है वो डिटेल यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होगी। गिफ्ट अगर किसी को इशू किया है वो डिटेल्स यहाँ पर ओपन होंगी। एक्सपेंसेस डिटेल, जो मिसलेनियस एक्सपेंस की एंट्री आपने उस पर्टिकुलर डे में की है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर व्यू कर सकते हो। एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर आप कोई करते हैं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी। अगर आप अपनी DCR को डाइवर्ट कर रहे हैं तो डाइवर्टेड DCR का रीज़न क्या था वो रीज़न भी आपको यहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट के थ्रू आप अपने कम्प्लीटली रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हो एंड आपने क्या क्या वर्क किया है वो कम्प्लीट डे में उस कम्प्लीट डे की समरी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज डॉक्टर एक्टिविटी रिपोर्ट। ये पूरे ईयर की रिपोर्ट होती है, आप इसमें चेक कर सकते हो
कि पूरे ईयर में आपने किस डॉक्टर से किस किस डेट में विजिट किया है, जैसे यहाँ पर ये सीरियल नंबर के साथ डॉक्टर नेम आ रहे हैं, उनके एरियाज आ रहे हैं, ग्रेड एंड उनका स्टेटस कि वो एक्टिव है या डीएक्टिवेटेड है। अब हमारे पर्टिकुलर इस डॉक्टर के साथ जैन से लेके अप्रैल तक कोई विजिट नहीं हुई, बट मई में 4, 10, 30 डेट में विजिट हो रही है, जून में कोई विजिट नहीं है, जुलाई में 5 and 10 डेट में विजिट हो रही है। तो ये पूरे ईयर की रिपोर्ट आपको दिखाता है कि किस डॉक्टर से मंथ में कितने टाइम एंड किस किस डेट में विजिट हुआ। तो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है आपके खुद के एनालाइज के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है सेकेंडरी सेल्स। जो भी केमिस्ट से सेकेंडरी सेल्स होगी उनकी डिटेल्स आप इस ऑप्शन के थ्रू एंटर कर सकते हो। इसी के नीचे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको अपने पैनल का पासवर्ड चेंज करना है तो वो अथॉरिटी आपके पास है, आप इस ऑप्शन के थ्रू अपने पैनल का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर केमिस्ट कनेक्ट, अगर आप चाहते हो कि कुछ डॉक्टर्स को केमिस्ट के साथ कनेक्ट करना तो आप कर सकते हैं, एंड डॉक्टर एंड केमिस्ट को कनेक्ट करने के बाद दोनों का एनालिसिस बिजनेस आपके एडमिन चेक कर सकते हैं। इसी के नीचे है डॉक्टर मिस कॉल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के थ्रू आप ये एनालाइज कर सकते हो कि मंथ में कितने डॉक्टर्स ऐसे थे जिनके पास आपकी विजिट नहीं हो पाई। तो ये मिस कॉल रिपोर्ट आपको दिखाती है कि आपने मंथ में कितने डॉक्टर से 1 time विजिट किया, कितने डॉक्टर से 2 time विजिट किया एंड कितने डॉक्टर से 3+ एंड किनके पास विजिट नहीं हुआ। तो ये हमने कलर कॉम्बिनेशन वाइज डिफाइन किया हुआ है। ब्लू कलर के डॉक्टर्स जो आपको दिख रहे हैं उनके पास 1 विजिट हुआ है, येलो कलर में जितने आप देख रहे हो उनके पास 2 विजिट हुआ है, एंड जो ग्रीन में आप देख रहे हो उनके पास 3 and 3 से अबव विजिट हुआ है। जिनके पास कोई विजिट नहीं हुआ वो रेड कलर में आपको शो हो रहा है। इस रिपोर्ट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में। नेक्स्ट ऑप्शन है एरिया। अगर आपको कोई एडिशनल एरिया ऐड करना है अपने पैनल में जो आप चाहते हैं कि उसमें डॉक्टर्स हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, तो सिंपली इस ऑप्शन में आप क्लिक करोगे और ऐड पर क्लिक करोगे तो आप अपना एरिया सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप अपना एरिया ऐड करेंगे यहाँ पर, जो भी आप एडिशनल एरिया ऐड करना चाहते हो, एंड सेव एंड कंटिन्यू या सेव का यूज़ करने के बाद, क्लिक करने के बाद ये एरिया आपके एडमिन और मैनेजर के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। जैसे वो अप्रूव हो जाता है देन आप यहाँ पर उसमें वर्क कर सकते हो। एक्सपेंस में ऑप्शन दिया है फेयर रेट का। फेयर रेट के थ्रू आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि आप कितना पर किलोमीटर अमाउंट के अकॉर्डिंग आपका एक्सपेंस जनरेट होता है। स्टैंडर्ड टूर प्लान के अकॉर्डिंग आप अपना जो भी आपका स्टैंडर्ड प्लान है आप इसमें वो बना सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम मार्ग SFA में MR पैनल कैसे एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।